गोल्डन दरवाजा, सफेद शेर का पुनर्जन्म और शैतानी शक्तियों वाले काले शेरों का जंगल में आतंक। जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी अपना पालन पोषण कर रहे थे। वो सभी जंगलवासी अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, क्योंकि उनके जंगल का राजा सिम्बा शेर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली शेर था। सिम्बा शेर सफेद रंग का बहुत ही अद्भुत शेर था और उसके पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ भी थी, जिनके इस्तेमाल से वो कुछ भी कर सकता था, किसी भी जानवर का रूप बदल सकता था। लेकिन उसकी इन शक्तियों के बारे में जंगल वासियों को कोई खबर नहीं थी। वो तो उसे एक साधारण शेर समझते थे और साथ ही अपना मसीहा मानते थे, क्योंकि सफेद शेर अपने जंगल की खूब देखरेख किया करता था। उसे कभी भी अपनी उन शक्तियों पर घमंड नहीं था, जो कि उसे किसी भी रूप में बदल सकती थी। सिम्बा शेर हर शाम अपने जंगल की निगरानी किया करता था और देखता था कि कहीं कोई जंगल का जानवर किसी परेशानी में तो नहीं है। जंगल की निगरानी करने के बाद उसे सुकून की नींद आती थी। बस इसी तरह से सिम्बा शेर और जंगल के और जानवरों की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन ना जाने कहां से सिम्बा शेर के जंगल में कई सारे काले शेर घुस आते हैं और वो आते साथ ही सिम्बा शेर की गुफा की तलाश करने में लग जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये जंगल तो काफी बड़ा है, जाने कहां रहता होगा वो सिम्बा शेर। अरे जहां कहीं भी रहता होगा, हम एक ना एक दिन उसे ढूंढ ही लेंगे। जब हम इस जंगल में आ ही गए हैं तो सिम्बा शेर की शक्तियाँ लिए बिना हम इस जंगल से वापस नहीं जाएंगे। चलो सभी अपने अपने काम पर लग जाओ और उस सिम्बा शेर को ढूंढना स्टार्ट करो। और हाँ, शाम होने पर हमारे पास जो भी सिम्बा शेर की खबर होगी हम इसी जगह पर आकर डिस्कस करेंगे। शाम होने से पहले पहले तुम सभी मुझे यहीं मिलना। ऐसा बोलकर वो काले शेर एक एक करके सभी जंगल की दिशाओं में निकल जाते हैं और सिम्बा शेर को ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उनमें से एक काले शेर को एक हिरन वहां पर चढ़ती हुई दिखाई पड़ती है और वह तुरंत ही उसके पास जाता है और उससे बोलता है, अरे हिरन बहन, क्या तुम इसी जंगल की रहने वाली हो? हाँ हाँ काले शेर भाई, लेकिन मैंने आपको तो कभी इस जंगल में नहीं देखा है। वो क्या है ना, मैं तो सिम्बा शेर का दूर का रिश्तेदार हूँ और सिम्बा शेर से ही मिलने आया हूँ। क्या तुम मुझे सिम्बा शेर का पता बता सकती हो? दरअसल मैं कभी उससे मिलने ही नहीं आया, अक्सर वो ही मुझसे मिलने आता रहता था। कुछ दिन से वो मुझसे मिलने ही नहीं आया, काफी टाइम हो गया, इसीलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही थी और मैं ही उससे मिलने चला आया। अरे हाँ हाँ काले शेर भाई, आखिर आप हमारे महाराज के मेहमान हैं, मैं ही आपको जाकर छोड़कर आती हूँ, चले आप मेरे साथ। वो क्या है ना हिरन बहन, बस तुम मुझे ही बता दो, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। तुम बिना बात के ही मेरे साथ चलकर थक जाओगी और अब तो शाम भी होने वाली है, तुम्हें अपने बच्चों के पास भी तो जाना होगा ना। काले शेर की ये बात सुनकर हिरन बोलती है, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर गुफा में पहुँचना है। चले मैं तुम्हें ही सिम्बा शेर महाराज की गुफा का पता बता देती हूँ, फिर आप आराम से उनके पास चले जाना। इसके बाद हिरन काले शेर को सिम्बा शेर की गुफा का पता बता देती है और काला शेर दौड़ता हुआ सिम्बा शेर की गुफा की ओर चल देता है। सिम्बा शेर की गुफा पर पहुंचकर काला शेर देखता है कि वही सिम्बा शेर के रहने का ठिकाना है और वह वापस वहां से अपने सभी काले शेर दोस्तों के पास चला जाता है और उनके पास जाकर वह उन्हें भी सिम्बा शेर का पता बता देता है। अब वो सभी शेर मिलकर सिम्बा शेर की सभी शक्तियां हड़पने का प्लान बना लेते हैं और उस प्लान के मुताबिक वो सभी शेर सिम्बा शेर की गुफा पर जाते हैं। सिम्बा शेर इतने सारे शैतान शेरों को देखकर उनसे पूछता है, अरे भाई कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? हमें तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
बस ये अपने रूप बदलने वाली शक्तियाँ हमें दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। काले शेर की ये धमकी सुनकर सिम्भा शेर उनसे बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो, शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर सकता हूँ। सिम्भा शेर काले शेरों की शैतानी शक्तियों के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए वो उन्हें ऐसा बोल देता है। सिम्भा शेर की ये बात सुनकर वो सभी काले शेर गुस्से में आ जाते हैं और सिम्भा शेर पर अपनी शक्तियों से हमला कर देते हैं। सिम्भा शेर काले शेरों को अपने ऊपर हमला करता देखकर अपनी शक्तियों से भी उन पर हमला करता है, लेकिन सिम्भा शेर की शक्तियाँ उन सभी की शक्तियों के आगे कम पड़ जाती हैं और वह नीचे गिर जाता है और कुछ देर तक तड़पने के बाद वहीं पर मर जाता है। सिम्भा शेर को मरा हुआ देखकर वो काले शेर उससे उसकी शक्तियाँ छीनने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक रोशनी होती है और उस रोशनी में से एक जादुई दरवाजा बाहर आता है और उसके अंदर से एक रंगीन बाघ निकल कर आता है। वह रंगीन बाघ आते साथ ही उन सभी काले शेरों को अपनी शक्तियों से एक बड़े पिंजरे में कैद कर देता है और उनसे बोलता है, तुमने क्या सोचा था कि सिम्भा शेर अकेला है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके साथ इतनी शक्तियाँ हैं, अगर तुम गिनना चाहो गिन भी नहीं पाओगे। ऐसा बोलकर वो जादुई बाघ सिम्भा शेर को अपनी शक्तियों से जिंदा कर देता है और सभी काले शेरों को वहाँ से लेकर गायब हो जाता है। इसके बाद सिम्भा शेर चैन की सांस लेता है और फिर से वह अपने जंगल वासियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रूप बदलने वाला जादुई रंगीन शेर, बाघ का पुनर्जन्म और सफेद शेर का जंगल पर कहर। एक बार की बात है, वृंदावन जंगल में बब्बर शेर अपने बेटे रंगीन शेर के साथ रहता था। बब्बर शेर बिल्कुल सफेद रंग का जंगल में सबसे अलग दिखने वाला शेर था और वही उसका बेटा बगीरा भी जंगल का सबसे अलग शेर था। उसके तो रूप कोई गिन ही नहीं सकता था क्योंकि वो आए दिन अपने रूप बदलता रहता था। ऐसा इसलिए था, दरअसल कुछ साल पहले जब उसका जन्म था तो बगीरा की माँ की डेथ हो गई थी और वह बेचारा अब बिल्कुल अकेला रह गया और जंगल में इधर उधर भटक रहा था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी, इसी तरह से वो एक दिन जंगल में ऐसे ही घूम रहा था और अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था। माँ, माँ आप कहाँ है? माँ प्लीज मेरे पास आ जाओ, माँ मुझे आपकी बहुत ही याद आ रही है, माँ प्लीज आ जाएं आप। वो ऐसा बोल बोल कर रो रहा था, तभी अचानक सी उसकी नजर वहीं पेड़ के नीचे से निकल रही रंगीन शक्ति पर जाती है। उस रंग बिरंगी शक्ति को देखकर बगीरा बहुत खुश हो जाता है और वह दौड़कर उस शक्ति के पास जाता है और उसे देख देख कर बहुत खुश होने लगता है और वह अपने सभी गम भूल जाता है। इसी तरह से अब वो रोजाना उस शक्ति के पास आता है और उसके साथ बहुत खेलता है। बगीरा शेर की मासूमियत को देखते हुए वह रंगीन शक्ति एक दिन उसके अंदर समा जाती है। तब से अब तक बगीरा शेर का रंग उस रंगीन शक्ति के कलर के जैसे ही बदलना स्टार्ट हो गया था। अब बगीरा शेर का रंग अपने आप ही किसी भी रंग में बदल जाया करता था, लेकिन कभी भी बगीरा शेर ने अपने इस बदलते रंग का फायदा नहीं उठाया और ना ही कभी किसी भी जंगल के जानवर को परेशान किया। बगीरा शेर जितना अच्छा था वहीं उसका बाप उतना ही बुरा भी था। वो जंगल के सभी जानवरों को बहुत परेशान किया करता था। ये बात बगीरा शेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बगीरा शेर बेचारा तो अपने जंगल के जानवरों को खुश देखना चाहता था और वह चाहता था कि उसके बाबा भी ऐसे ही बन जाएं और वो भी जंगल के जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें। लेकिन वो कहावत है ना, चोर चोरी करना छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी करना कभी नहीं छोड़ता है। ऐसे ही कुछ सफेद शेर के साथ भी था। वो बगीरा के सामने तो जंगल के जानवरों के साथ मीठा बना रहता था, लेकिन जब बगीरा नहीं होता था
तो वह जंगल के जानवरों को बहुत बेरहमी से मारता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन एक हिरन दौड़ती हुई बगीरा के पास आती है और वह बगीरा शेर से बोलती है, बगीरा भाई वो आपके बाबा ने हमारे जंगल के एक बाघ को बहुत बेरहमी से मार डाला है और वो वहाँ से भाग गए हैं। वो बाघ घायल पड़ा हुआ है, प्लीज आप जाकर उसे बचा ले, उसकी अभी सांसें चल रही हैं, प्लीज बगीरा भाई। हिरन की ये बात सुनकर बगीरा जल्दी से दौड़कर उस घायल पड़े बाघ के पास जाता है, लेकिन जब तक बगीरा वहाँ पहुँचता है तो वह बाघ अपने दम तोड़ देता है। उस बाघ को मरा हुआ देखकर बगीरा वहाँ से वापस आने लगता है कि तभी बाघ का एक छोटा बेटा रोता हुआ उसके पास आता है और वह अपने बाबा को मरा हुआ देखकर रोने लगता है और रोते हुए बोलता है, बाबा ये आपको क्या हो गया, प्लीज उठे ना बाबा, मेरा तो इस दुनिया में एक वाहिद सहारा आप ही थे और आप मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। नहीं बाबा उठे प्लीज, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। उस छोटे बच्चे को ऐसे रोते देखकर बगीरा को अपना बचपन याद आ जाता है और वह सोचता है, अगर ये बाघ मर गया तो इसकी जिंदगी भी मेरी ही तरह वीरान हो जाएगी, मुझे इस बाघ को किसी भी तरह जिंदा करना होगा। ऐसा सोचकर बगीरा आसमान की ओर देखता है और आसमान की ओर देखकर धीमी आवाज में कुछ बोलता है। तभी आसमान से वही रंग बिरंगी रोशनी आनी स्टार्ट हो जाती है और वह उस बाघ के अंदर समा जाती है। उस रोशनी के उसके अंदर समाते ही बाघ एकदम से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है और वह बगीरा का शुक्रिया अदा करता है। अरे नहीं नहीं बाघ भाई, मैंने तुम पर बिल्कुल भी कोई एहसान नहीं किया है, मेरे बाबा ने तुम्हें ये नुकसान पहुंचाया था तो मेरा ये फर्ज था। बाघ भाई मैं अपने पिता की इन हरकतों से बिल्कुल परेशान आ गया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। बगीरा की ये बात सुनकर बाघ बोलता है, अरे बगीरा भाई मुझे आपके पिता से उनकी इस करनी का बदला तो लेना ही होगा, आज उन्होंने मेरे साथ ये सब किया है, कल वो किसी और के साथ ऐसा ही करेंगे, इतना तक उन्हें उनकी करनी का फल नहीं मिलेगा वो बाज नहीं आएंगे। अरे लेकिन बाघ भाई वो मेरे बाबा हैं और तुम मेरे सामने ही मेरे बाबा के बारे में बातें कर रहे हो। नहीं नहीं बगीरा भाई आप गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारे बाबा को मारना नहीं चाहता, बस उन्हें इस गलती का सबक सिखाना चाहता हूँ, तुम फिक्र ना करो मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, बस इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मुझे तुमसे कुछ शक्तियाँ चाहिए होगी जिससे मैं अपना रूप बदल कर उन्हें सबक सिखा सकूँ। बाघ के ऐसा कहने पर बगीरा उसे कुछ शक्तियाँ दे देता है और बाघ अपने काम पर लग जाता है। वह अपना रंग रूप बदल कर सफेद शेर के पास जाता है और उसे अपना रूप बदल बदल कर खूब डराता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। सफेद शेर इस अजीब सी शक्ति को देखकर बहुत डर जाता है और वह वहाँ से भाग पड़ता है। रात होने पर फिर से वही बाघ वहाँ पर आता है और फिर से वह अपने रंग बदलने स्टार्ट कर देता है। अब की बार सफेद शेर डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम? सफेद शेर को ऐसे डरते हुए देखकर बाघ बोलता है, मैं मुझे नहीं जानते, आज सुबह ही जिस बाघ को तुमने मार डाला था मैं उसी की आत्मा हूँ और अब मैं तुमसे तुम्हारे जुल्म का बदला लेने आई हूँ, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। सफेद शेर बाघ की ये बात सुनकर बहुत डर जाता है और वह माफी मांगने लगता है। अरे अरे प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, आज तक जितने भी मैंने पाप किए हैं उन सभी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ और आज के बाद मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा, प्लीज आप मुझे एक बार माफ कर दो। सफेद शेर को ऐसे गिड़गिड़ाते देखकर बाघ बोलता है, अगर तुम ऐहद कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम आज के बाद जब भी कोई गलत कार्य करोगे तो मुझे तभी पता चल जाएगा और फिर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है। बाघ
ऐसा बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है और सफेद शेर उस नकली आत्मा से बहुत डर जाता है। इसके बाद वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता है और सभी जानवरों के साथ बहुत प्रेम से रहता है। अपने बाबा के सुधरने के बाद बगीरा बाघ का शुक्रिया अदा करता है और उससे बोलता है, बाघ भाई अब से ये शक्तियाँ तुम ही रखो। मुझे लगता है तुम बहुत ही नेक हो और मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी इन शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ऐसा बोलकर बगीरा वापस अपनी गुफा में आ जाता है और बाघ अपनी गुफा में चला जाता है और वो सभी उस जंगल में एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। जादुई सीढ़ी घर और सिम्भा शेर ने लिया अपनी पत्नी की मौत का बदला। जंगल में चहल पहल थी, सभी जानवर अपने अपने कामों में व्यस्त थे और खुशी से उस जंगल में अपना जीवन बिता रहे थे। उनके जंगल का राजा सिम्भा शेर बहुत ही ताकतवर राजा था और बीते टाइम उसने अपने जंगल के जानवरों का ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखा था। लेकिन आजकल सिम्भा शेर बहुत परेशान था क्योंकि कुछ दिन पहले ना जाने किसने उसकी पत्नी शेरनी का कत्ल कर दिया था। सिम्भा शेर अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था, वो तो उसके बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकता था। इसी वजह से उसे शेरनी की कमी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी और वह काफी डिस्टर्ब रहने लगा था। अब तो उसके दिमाग ने भी काम करना कुछ कुछ बंद कर दिया था और वो पूरा टाइम बस शेरनी को याद करता और अपनी ही धुन में मगन रहता था। जंगल के जानवरों को तो अब जैसे वो भूल ही गया था। जंगल के जानवर भी अक्सर ही परेशानियों का सामना अकेले कर रहे थे और सभी जंगल के राजा की खामोशी से बहुत परेशान थे। इसी वजह से वो सभी जानवर शेरनी की मौत का पता लगाने में लगे हुए थे। अरे भाइयों, कुछ पता चला है शेरनी की मौत के बारे में? अरे नहीं नहीं बकरी बहन, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चल सका, लेकिन हम जल्द ही पता लगा लेंगे। हाँ हाँ भाइयों, जल्द से जल्द कुछ भी करो, वरना मुझसे तो सिम्भा शेर का हाल नहीं देखा जाता। शायद उस जालिम से बदला लेने के बाद सिम्भा शेर को सब्र आ जाए और वो अपनी इस कंडीशन से बाहर निकल आए। सभी जानवर ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास ही एक काला शेर गुजरता है और उनकी बातों को सुनकर वह सभी जानवरों के पास आता है और उनसे बोलता है, अरे ये तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो? अरे भाई आप कौन हैं? मैं पास ही के जंगल का राजा हूँ। जब मैंने तुम्हारी ये सब परेशानी वाली बातें सुनी तो मैं तुम्हारे पास चला आया। क्या बात है, तुम सभी जानवर इतने परेशान क्यों हो? बकरी काले शेर को अपनी सारी परेशानी के बारे में बताती है। बकरी की बातों को सुनकर काला शेर उससे बोलता है, अच्छा ये बात है, तुम परेशान ना हो मेरे दोस्तों, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। हमारे जंगल में एक सोने से बना सीढ़ी पेड़ घर है, तुम उसके अंदर जाकर वहाँ के महाराज को अपनी परेशानी बताओ, वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तुम चाहो तो मेरे साथ भी चल सकते हो। काले शेर के ऐसा कहने पर वो कुछ सोचते हैं और फिर वह काले शेर के साथ उसके जंगल की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद आखिर वो सभी उस जादुई सीढ़ी घर के पास पहुँचते हैं और उसके अंदर जाकर वहाँ के सरदार से मिलते हैं और उसको अपने जंगल की पूरी परेशानी के बारे में बताते हैं। जादुई घर का सरदार जब उनकी इस परेशानी को सुनता है तो वह बोलता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितने परेशान हो और तुम्हारी इस परेशानी का हल भी मेरे पास है। मैं तुम्हें पहले एक मांस का टुकड़ा देता हूँ, तुम जाकर इस मांस के टुकड़े को अपने जंगल के राजा को खिला देना। इसे खाने के बाद तुम्हारे जंगल का राजा अपने होश में आ जाएगा और फिर तुम उसको मेरे पास लेकर आना, मैं उसे पूरी सच्चाई बता दूंगा। ये सुनकर
वो सभी जानवर वापस अपने जंगल आते हैं और अपने महाराज के पास जाकर वो मांस का टुकड़ा उसे खिला देते हैं। उस मांस के टुकड़े को खाने के बाद सिम्बा शेर और भी ज्यादा ताकतवर शेर में बदल जाता है और वह अपने स्ट्रेस से भी बाहर आ जाता है। अब वो सभी जानवर सिम्बा शेर को पूरी हकीकत के बारे में बताते हैं और उस जादुई हाउस में जाने का बोलते हैं। अरे महाराज, अब वह जादुई घर हमें शेरनी के कातिल के बारे में बताएगा। आप मेरे साथ उस जंगल चलें और पता करें कि हमारी महारानी शेरनी का कत्ल किसने किया था, फिर हम उसे नहीं छोड़ेंगे महाराज। बकरी की कही बातें सुनकर सिम्बा शेर बकरी के साथ दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ता है और दूसरे जंगल में पहुँच कर वो दोनों उस जादुई घर के अंदर जाते हैं। उस घर का सरदार सिम्बा शेर और बकरी को देखकर समझ जाता है कि ये वही शेर है जिसे उसने मांस का टुकड़ा खाने के लिए दिया था। बकरी जादुई घर के सरदार से बोलती है, महाराज ये हमारे जंगल के राजा हैं। आपने जैसा हमसे करने के लिए कहा था हमने वैसा कर दिया है। अब आप हमें बताएं कि हमारे जंगल की महारानी का कत्ल किसने किया। बकरी की कही बातें सुनकर गोल्डन शेर उससे बोलता है, बेटा तुम्हारे जंगल की महारानी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि वो काला शेर जो तुम्हें उस दिन मेरे पास लेकर आया था उसके बेटे ने ही किया है। लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसके बेटे ने ये सब किया है। बकरी ये सब सुनकर दंग रह जाती है और सिम्बा शेर को तो ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत ही काले शेर के बेटे को मारने के लिए निकल पड़ता है। बकरी भी दौड़ती हुई सिम्बा शेर के पीछे पीछे जाती है। शेर की गुफा पर पहुंचकर सिम्बा शेर उसके बेटे पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी बकरी वहां पर आती है और वह सिम्बा शेर से बोलती है, अरे अरे रुकिए रुकिए महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं। आज अगर आप सही सलामत हमारे साथ खड़े हुए हैं तो सिर्फ इस काले शेर की वजह से जिसका नाम आप खत्म करने वाले थे। ये काला शेर एक बहुत ही अच्छा शेर है, इसने ही हमारी जादुई घर तक आने में मदद की और जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन आप जो करने जा रहे थे उसे जरूर रोक सकते हैं। मुझे यकीन है ये काला शेर अपने बेटे को जरूर समझाएगा कि ये आगे से कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे किसी का दिल दुखे। बकरी की ये सब बातें काले शेर को समझ नहीं आती है और वह बकरी से बोलता है, अरे अरे बकरी बहन, ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काले शेर, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, इसी ने ही हमारे जंगल की रानी का कत्ल किया है और आज सिम्बा शेर महाराज यहाँ आपके बेटे का कत्ल करने आए थे, लेकिन आपका एहसान हमें ये सब करने से रोक रहा है। अपनी मौत को सामने देखकर काले शेर का बेटा घबरा जाता है और वह सिम्बा शेर और काले शेर से अपने किए की माफी मांगता है। काला शेर अपने बेटे की हरकत पर बहुत शर्मिंदा होता है, लेकिन फिर वो सभी उसे माफ कर देते हैं और सिम्बा शेर और बकरी अपने जंगल वापस आ जाते हैं और वो सभी मिलजुल कर उस जंगल में फिर से एक हंसी खुशी जीवन की शुरुआत करते हैं और मजे से उस जंगल में रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर कोई हमारी कभी किसी भी सूरत में मदद करता है तो हमें उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए और उसको कभी गलती से भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, वरना क्या पता ऊपर वाला हमारे साथ क्या और उससे भी बड़ा कुछ गलत कर दे जिसे हम जिंदगी भर ना भुला पाएं।